बड़ी खबर जोशीमठ से, जहां पर नेटवर्क 10 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरार के मामले में एक्शन हुआ है। एनटीपीसी की विद्युत परियोजना के निर्माण पर फिलहाल रोक। जिला अधिकारी कार्यालय की ओर से आदेश जारी हो गए हैं। विद्युत परियोजना के निर्माण कार्यों से दरारें आ रही थी, लोगों में दहशत थी, उनके घरों में दरारें आ रही थी, सैकड़ों लोग इस वजह से काफी परेशान थे। और इस खबर को प्रमुखता के साथ प्राथमिकता के तौर पर नेटवर्क 10 ने उठाया। हमारी खबर का असर हुआ। जोशीमठ से बड़ी खबर, जहां भूधसाव से सैकड़ों घरों में दरारें थी, लोग डरे हुए थे। हमारी खबर के असर के बाद जिला अधिकारी कार्यालय की ओर से बड़ा आदेश है। एनटीपीसी के विद्युत परियोजना के निर्माण पर रोक लग गई है। प्रशासनिक एक्शन, नेटवर्क 10 की खबर का असर, प्राथमिकता के साथ तमाम तस्वीरें हमने पहुंचाई। और ये देखिए, ये आदेश जिला अधिकारी कार्यालय की ओर से, जिसमें आदेश दिया गया है कि एनटीपीसी के विद्युत परियोजना जो वहां पर निर्माणाधीन है, उस पर रोक लगा दी जाए। जिला अधिकारी कार्यालय की ओर से यह आदेश जारी हो गया है, फरमान जारी हो गया। इसके साथ ही एनटीपीसी के विद्युत परियोजना के निर्माण पर फिलहाल रोक लग जाएगी, क्योंकि जोशीमठ में इस समय दहशत है, लोग डरे हुए हैं, क्योंकि इनके घरों में दरारें हैं। दरारों के पीछे भूधसा वजह, ऐसे में प्रशासनिक अमला चेता है। नेटवर्क 10 की खबर दिखाए जाने के बाद प्राथमिकता के तौर पर हमने लगातार खबरें भी दिखाई और तस्वीरें भी दिखाई। प्रमुखता के साथ जब हमने इस खबर को उठाया, जिसके बाद प्रशासनिक अमला चेता, जिला अधिकारी की ओर से, कार्यालय की ओर से यह बड़ा आदेश, एनटीपीसी के विद्युत परियोजना के निर्माण पर रोक लग गई है, क्योंकि विद्युत परियोजना के निर्माण कार्यों से दरारें आ रही थी, लोगों के घरों में दरारें थी, लोग दहशत में थे। इस खबर को जब प्रमुखता के साथ हमने दिखाया, तस्वीरें दिखाई, तब प्रशासन चेता। कहीं नगर पालिका में बता रहे हैं, कहीं जो है ब्लॉक में बता रहे हैं, मगर अभी तक कमरा मिला नहीं है। और अभी जो है बातें कर रहे हैं वो लोग, मगर ऐसा करके कैसे हो जाएगी? जो हमारी रोजी रोटी थी वो तो सब कुछ छीन चुके हैं। और दहशत से हम लोग जैसे दहशत से हो रहे हैं हमारे, बाकी जो है हमारे घरों में इतनी ज़्यादा दरारें भी नहीं है, पर इस होटल की दहशत से जो है हम जो घर बार छोड़ के जा रहे हैं। इधर को 5 कमरों का वो कराया, 4 नगर पालिका में कराया है और 1 ब्लॉक में। तहसीलदार साहब ने हमको बोला तुरंत शिफ्ट हो जाओ, रात को कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए 5 परिवार को हमको तत्काल खाली करना है। के जस्ट नीचे पे रहते हैं, जिससे ये भूत सलोन आ रहा है, हो रहा है, उससे हमारे मकान बहुत टूट फूट हो रही है। इस कारण हमको जो अभी जो व्यवस्था करवाई गई है वो गुरुद्वारे पे है। और जो ये टेंडर की वजह से जो हमारा जोशीमठ जो बैठ रहा है, उससे हमको बहुत खतरा हो रहा है। निकट में रहती हूँ, हमारे बहुत टूट फूटों के साथ हम यहाँ पर रह नहीं सकते हैं। हमारे यहाँ पर बिल्कुल रहने लगने से हम आ किराए पर जा रहे हैं। हम आप लोग हमारी ज़रा सुविधा कीजिए, आप जहाँ भी जो भी करना आप ही करना। कि होटल से हमको बहुत नुकसान हो गया है, ज़मीन तो सभी जगह बैठ रही है, लेकिन हम लोग होटल से बहुत परेशान हो गए। आप होटल को कुछ कीजिए सर। मांटी भी होटल के नीचे रहती हूँ मैं, हम सभी पड़ोसी हैं इधर के। अब हमारा अपना मकान है, पर हमारी व्यवस्था बिल्कुल इस समय शासन ने हमारी व्यवस्था कर दी है, वैसे वहाँ इधर पे गुरुद्वारा होटल के नीचे पे। पर हम शासन से यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमें बस ये होटल थोड़ा आधा आधा आप इसकी व्यवस्था कर लीजिए, कटवा दीजिए, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। और यहाँ पे रास्ता दिखा दीजिए हमें थोड़ा। 4 महीने निरंतर निवेदन कर रहे हैं, किसी ने हमारी सुनी नहीं, और अब जोशीमठ रहने लायक बिल्कुल नहीं रह गया है। इसमें अन्य जगह से भी जैसे सूचना आई थी, जो मनोहर बाग क्षेत्र में ही जहाँ पे लोगों के घर में थोड़ी दरारें थी, उनका थोड़ा बहुत दरारें और बढ़ने की सूचना आई है। और इसी क्रम में हमने मनोहर बाग वार्ड में ही होटल माउंट व्यू के नीचे जो 5 परिवार रह रहे हैं, जहाँ पे काफ़ी दरार आई थी, उनको नगर पालिका के डॉमेट्री में शिफ्ट कर दिया है। 4 परिवार वहाँ रह रहे हैं। 2 माह से ये प्रक्रिया बहुत तेज़ी से बढ़ी है, बहुत तेज़ी से प्रक्रिया बढ़ी है। और अभी हमने देखा कल से जेजेबी का जो कैंप है, मारवाड़ी वार्ड में जो जेजेबी का कैंप है, यहाँ पर कभी इस तरह का पानी आ सकता नाला नहीं था, न इस तरह का पानी आ पाता। लगातार 24 घंटा बहुत तेजी से गाद वाला पानी, लगभग मटमैला पानी लगातार 48 घंटों से बह रहा है। तो जोशीमठ में दरारों से दहशत में है लोग। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और बयान भी सुनवाए। लोगों के चेहरों पर एक टेरर था, एक डर था, दहशत थी। उनका ये कहना है कि अब पलायन करने को हम मजबूर हैं, घर इतने टूट रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं कि लगता है कि रात में हमारा घर कहीं गिर ना जाए। कई लोगों को शिफ्ट कर चुका है प्रशासन। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है, ये भी हमने बयान के जरिए आप तक पहुंचाई बात।
प्रशासनिक अमला ये कह रहा है कि अब कई माध्यमों से खबर हम तक पहुंची है और व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लेकिन वास्तव में जोशीमठ में इस समय लोग आक्रामक भी हैं, दहशत में भी हैं, डरे हुए हैं और इंसाफ चाहते हैं। प्रदीप भंडारी हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ। प्रदीप, हम लगातार इस खबर पर प्राथमिकता के साथ बने रहे और यही वजह है हमारी खबर पर बड़ा एक्शन हुआ है। पहली खबर तो ये कि एनटीपीसी के विद्युत परियोजना के निर्माण पर रोक लग गई है। जी पूजा, मैं आपको बता दूं कि जोशीमठ में जो भूत असाव हो रहा था उसको लेकर हमने खबर को प्राथमिकता से उठाया है और अब जाके प्रशासन ने इस पे कार्रवाई की है। प्रशासन की ओर से जो 520 मेगावाट वाली जल विद्युत परियोजना यहाँ पर कार्यरत है उसके सभी कार्यों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। दूसरा, जोशीमठ के नीचे से जो बाईपास निर्माण कार्य चल रहा है बद्रीनाथ हाईवे का, उस पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जोशीमठ नगर में जितने भी निर्माण कार्य है उन सभी पे प्रशासन की ओर से रोक लगा दी गई है। और इसके चलते जोशीमठ में जो भूत असाओं को लेकर जो पीड़ित परिवार है उसको लेकर प्रशासन ने एक पत्र जारी करके 2000 थैपी का हट यहाँ पर बनाने का आश्वासन भी आज संघर्ष समिति को दिया है। और यही कारण रहा कि आज पूरा जोशीमठ जो नगर है वो पूरा व्यापारिक प्रतिष्ठान यहाँ पर बंद रहे और उसके साथ लोगों ने चक्का जाम भी यहाँ पर किया हुआ था, जिसके चलते थोड़े बहुत पर्यटकों को काफी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ा। लेकिन जब प्रशासन की ओर से यह पत्र जारी किया गया उसके बाद संघर्ष समिति की ओर से जो आज का जो चक्का जाम का कार्यक्रम था वो बंद कर दिया गया है। जी प्रदीप, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए ट्रक में लोग अपना सामान लाद रहे हैं, मजबूर हैं जाने के लिए। कितने वर्षों से वो लोग जोशीमठ में रहते हैं लेकिन अब क्या करें, दहशत में हैं। क्योंकि लोगों के जो हमने बयान सुनवाए, लोग ये कह रहे हैं कि ये भी यकीन नहीं कि हम रात में सोएं और दरार के चलते हमारा मकान गिर जाए, इसलिए पलायन तक करने को मजबूर हैं वो। मैं आपको बता दूं कि जोशीमठ में अब तक 34 ऐसे परिवार हैं जो भूत असाव के चलते काफी प्रभावित है। उनको प्रशासन की ओर से नगर पालिका, गुरुद्वारा और इंटर कॉलेज और प्राथमिक विद्यालय में उनके रहने की व्यवस्था फिलहाल कर दी गई है। सुरक्षा को देखते हुए लोग काफी डरे हुए हैं और सहमे हुए हैं क्योंकि लगातार यहाँ पर भूत असाव का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। बड़ी बड़ी दरारें लोगों के मकानों पर पड़ रही है। इसको देखते ही प्रशासन ने कहा कि पहली प्राथमिकता उनकी यही रहेगी कि जो प्रभावित परिवार है उनको सुरक्षित स्थानों पर रखा जाए। जो ये परिवार है वो पहले से ही इसी स्थान पर रहते हैं और इसी के आधार पर उनकी व्यवस्था भी प्रशासन की ओर से की गई है। जी चलिए, शुक्रिया प्रदीप भंडारी। नेटवर्क 10 की खबर का असर, बड़ा असर हुआ है। हमने प्रमुखता के साथ यह खबर दिखाई थी, जोशीमठ में दरार के मामले में एक्शन किया है प्रशासन ने, एनटीपीसी के विद्युत परियोजना के निर्माण पर रोक लगा दी है, जिलाधिकारी कार्यालय की ओर से यह आदेश जारी।